उठाकर आश्वासन दे और बड़ी आवाज में राजकुमार सैनी आगे बढ़ा। जितनी बड़ी माला आवाज उतनी बड़ी चाहिए। राजकुमार सैनी आगे बढ़ो। एक बार पूरा गुरुग्राम खड़ा होकर सांसद जी का स्वागत करें दोबारा। राजकुमार सैनी आगे बढ़ो। पत्रकार भाइयों से विनती है कृपया वो इस फोटो को फ्रंट पे ले। राजकुमार सैनी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल की गहराइयों से अभिनंदन। आप सभी की विनती, आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं भाई रामराज जी से, डॉक्टर सतीश यादव जी से, रमेश राव पायलट जी से, शेरा पंडित जी से, भाई राजकुमार सैनी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सभी से विनती करूंगा कृपया वो मंच पे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी प्रशासनिक भाइयों से विनती करूंगा इस मंच को बिल्कुल खाली करा दिया जाए। मुकेश सैनी जी सोहना से, नए गाँव से चल के हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की प्रक्रिया अभी हमने रोकी है। मैं विनती करूंगा सबसे पहले रमेश राव पायलट जी सबसे पहले संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों वर्ष हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुड़गांव की सेक्टर 12 की इस विशाल सम्मान समारोह में हरियाणा की 90% आबादी के हक और हकूक के लिए लड़ रहे, हरियाणा में असमानता और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे, मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि वो चाहते अभी सांसद राजकुमार सैनी जी सिर्फ 10 मिनट में आपसे रूबरू होंगे, इसलिए आप सभी से बैठे थोड़ा सा और शांति। हमारे बीच में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद शेर हरियाणा राजकुमार सैनी आए हैं। इनका एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। उनके साथ लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा यादव महासभा के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सतीश यादव, सैनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिलबाग सिंह जी, सैनी समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्रीपाल सैनी जी, लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री रामराज शर्मा जी और हमारे पार्षद दिनेश सैनी और हेमंत सैनी और समस्त हेमंत सैन और आज के आयोजक जिन्होंने बहुत मेहनत की है, भाई अशोक सैनी और उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं ज्यादा समय ना लूंगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में, क्योंकि आप और सांसद जी के बीच में मैं कोई बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि सांसद राजकुमार सैनी जी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अन्याय के खिलाफ, एक असमानता के खिलाफ, दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई। आज 50 वर्ष बने हरियाणा के हो गए, इनमें 45 वर्ष एक ही जाति का शासन रहा और उस जाति ने सारी नौकरियां, सारे अधिकार, सब कुछ छीन लिए। आज उस 10% आबादी के पास 70% नौकरियां हैं और सारे संसाधन ठेके, 80% सरकारी एजेंसियां हैं। और फिर आपने देखा फरवरी 2016 में दादागिरी और गुंडागर्दी के बल पर जो तांडव हरियाणा में रचा गया वो पूरी दुनिया ने देखा। और जब ये तांडव रचा गया दिल्ली की इस नाक के नीचे, तो भारत के 750 सांसद और हरियाणा के 90 विधायक किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज आई तो सिर्फ हिंदुस्तान से एक शख्स की आई और वो थे कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने इस दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि जंग का ऐलान किया।
सांसद राजकुमार सैनी जी की आवाज को दबाने के लिए लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो सांसद राजकुमार सैनी की आवाज को दबा सके, क्योंकि ये आवाज उन करोड़ों लोगों के हितों की आवाज है जिनको आज तक दबाया गया है, जिनके हितों को लूटा गया है, जिनके हकों को लूटा गया है, उन सब की आवाज है राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, राजकुमार सैनी एक विचारधारा है, राजकुमार सैनी एक मिशन का नाम है, राजकुमार सैनी एक आंदोलन का नाम है, एक लड़ाई का नाम है, और वो लड़ाई है असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई, उस लड़ाई का नाम राजकुमार सैनी है। राजकुमार सैनी तप त्याग और कुर्बानी का नाम है। आज लोग कहते हैं राजकुमार सैनी आग लगा रहे हैं, राजकुमार सैनी के दिल में तो आप सबकी पीड़ा है, और वो कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। राजकुमार सैनी कोई हंगामा नहीं खड़ा कर रहे, वो इस प्रदेश की उस तस्वीर को बदलना चाहते हैं जो अन्याय और असमानता पे है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं इतना ही कहूंगा कि राजकुमार सैनी जी बहुत बड़ी शख्सियत है, गांव की पंचायत से लेकर सर्वोच्च पंचायत तक पहुंचे, और आज 10,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, 1,000 करोड़ से ऊपर उनकी कंपनियों का टर्नओवर है। आप उनका साथ दीजिए और 2019 में वो एक ऐसी व्यवस्था का मुखिया बनेंगे जो प्रदेश में समानता स्थापित करेगी, आपके लूटे हुए आपके हकों को दिलाएंगे, आपके साथ जो 50 साल में अन्याय हुआ है उस अन्याय को एक एक पाई पाई का हिसाब देंगे। आप उनका साथ दोगे तो आपकी वो लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि किसी ने कहा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आपकी विजय होगी और सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में एक नई व्यवस्था हरियाणा में 2019 बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय सांसद राजकुमार सैनी, जय लोकतंत्र सुरक्षा मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राव दलीप सिंह जी और डॉक्टर त्यागी जी, कृपा मंच पे आए राव दलीप सिंह जी और डॉक्टर त्यागी जी। और